हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग थर्ड सेमेस्टर। आई एम नीलेश सोनारे, HOD डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, NIT पॉलिटेक्निक। वी आर स्टडिंग फोर्थ यूनिट प्रोडक्शन ड्राइंग। आवर टुडेज टॉपिक इज मशीन सिंबल एंड सरफेस टेक्सचर। सो डियर फ्रेंड्स, इन आवर लास्ट वीडियो वी अंडरस्टैंड and draw the geometrical tolerance, its types, and general welding symbols. Now, in this video, the learner should be able to understand the concept of surface roughness and machining symbol, and we achieve the program outcome PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO10, PSO2 and 3. Let us start with basic terminology. The surface texture. The surface texture is defined as the local deviation of a surface from its ideal shape, which tends to form a pattern on the surface. Next terminology is surface roughness. It is primary texture. Surface roughness can be defined as the irregularities in the surface texture with short wavelength that appears due to production process employed to create surface. Dear friends, surface texture ka matlab hai ki hame jo ideal surface chahiye, वो आइडियल सरफेस से हमें जो भी डेविएशन मिलेगा उस सरफेस को हम बोलेंगे सरफेस टेक्सचर। फिर सरफेस रफनेस क्या रहेगा? ये सरफेस रफनेस है ना, एक प्रकार का प्राइमरी टेक्सचर है जो हमें इरेगुलरिटीज जो रहती है सरफेस पे उस तौर पे मिलता है। देन सरफेस वेवीनेस, ये जो है ये सेकेंडरी टेक्सचर है। द सरफेस वेवीनेस कैन बी डिफाइंड एज द इरेगुलरिटीज इन द सरफेस टेक्सचर व्हिच आर स्पेस्ड मोरली वाइड। हम इसको डायग्राम के जरिए समझेंगे। देन वन अगेन टर्मिनोलॉजी इज ले। ले इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस पैटर्न प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रोडक्शन प्रोसेस। सो हम अभी वन बाय वन सब समझेंगे। सरफेस रफनेस, सरफेस वेवीनेस एंड ले। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि ये सरफेस है। अब ये सरफेस पे जो ये अप एंड डाउन जो सरफेस हमको दिख रहा है, ये जो रहेगा ये रहेगा सरफेस हाइट, ये रहेगा सरफेस रफनेस कट ऑफ विड्थ, सरफेस वेवीनेस विड्थ, ये है वेवीनेस हाइट और सरफेस ले। देखिए ये ले पैटर्न कैसा है, यहाँ पे आपको सभी स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब यहाँ पे देखते हैं हम सरफेस रफनेस कंपोनेंट, ये है सरफेस रफनेस। यहाँ पे देखिए ये वेव फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये है वेवीनेस सरफेस रफनेस। ये ऐसा पैटर्न अगर हमें दिखा तो ये क्या रहेगा? सरफेस रफनेस। और वेवीनेस क्या रहेगा? ये रहेगा वेवीनेस। और जो पैटर्न हमें दिखेगा, जैसे यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस आपको दिख रही है, ये पैटर्न रहेगा ले। नेक्स्ट सरफेस टेक्सचर ऑन ड्राइंग। हम सरफेस टेक्सचर को ड्राइंग पे कैसे शो करेंगे? द बेसिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ टू लेग्स, ये जो दो लेग है ये क्या शो करते हैं? अनइक्वल लेंथ इंक्लाइंड एट अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री। ये जो लाइन है ये कितना डिग्री रहेगा सरफेस से? 60 डिग्री, रिप्रेजेंटिंग द कंसिडर्ड सरफेस। ये बेसिक सिंबल रहेगा हमें सरफेस टेक्सचर शो करने का।
देन यहाँ पे हम आते हैं, इफ द रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मशीनिंग इज रिक्वायर्ड, अगर हमें मशीनिंग रिक्वायर्ड है तो इस सिंबल पे ये एक लाइन ऐड हो जाएगी, बार इज एडेड टू द बेसिक सिंबल। ये बेसिक सिंबल में क्या लाइन हो रही है, ऐड हो रही है एक लाइन। देन इफ द रिमूवल ऑफ मटेरियल इज नॉट परमिटेड, अगर हमें मटेरियल रिमूव नहीं करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल दे देंगे, यानी इस सर्कल का मतलब क्या रहेगा कि हमें यहाँ पे मटेरियल रिमूव नहीं करना है। When a special characteristics have to be indicated, a line is added to the longer arm of the symbol. ये क्या करेगा, कुछ हमें special characteristics और show करने अगर है तो हमें ये यहाँ पे longer arm में भी एक line add करनी पड़ेगी। ये basic symbol है, इसके लिए हमें surface structure को drawing पे उतारने। Then ये सरफेस रफनेस की इंडिकेशंस कुछ है। सरफेस रफनेस इज नॉर्मली इंडिकेटेड ऑन द ड्राइंग बाय द सिंबल। सी फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये ट्रायंगल बढ़ेंगे वैसे वैसे सरफेस स्मूथ हमें मिलते जाएगा। देखते हैं, द सरफेस एज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ये जो दो ट्रायंगल यहाँ पे मिलेंगे, दो ट्रायंगल का मतलब क्या है कि सरफेस कैसा है, इज फाइनर देन द सरफेस एज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल ट्रायंगल, यानी सिंगल ट्रायंगल का सरफेस जो रहेगा वो डबल ट्रायंगल से थोड़ा रफ रहेगा। ये जो सिंबल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो पार्ट है वो अनमशीन्ड है, वहां पे मशीनिंग ऑपरेशन नहीं हुआ है। सरफेस रफनेस रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल ट्रायंगल और डबल ट्रायंगल कैन बी अचीव बाय मशीनिंग सच एज टर्निंग एंड मिलिंग। टर्निंग और मिलिंग अगर ऑपरेशन हो रहे हैं तो हमें सरफेस रफनेस कितना मिलेगा, सिंगल या डबल ट्रायंगल। अगर तीन ट्रायंगल है वो किसके लिए मिलेगा हमें, ग्राइंडिंग के लिए। और सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन जो रहते हैं जैसे ग्राइंडिंग, सुपर फिनिशिंग, लैपिंग, होनिंग, इसके लिए हमें फोर ट्रायंगल्स मिलेंगे, यानी ये फाइनर सरफेस हमें यहाँ पे मिलेगा। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ सरफेस रफनेस ऑन ड्राइंग। जैसे हमने अभी देखा कि ये जो ट्रायंगल्स या सिंबल्स हमें रफनेस ग्रेड के मिल रहे हैं, इसके रफनेस नंबर क्या रहेंगे और इसके रफनेस वैल्यू क्या रहेगी। अगर अनमशीन पार्ट है तो उसका नंबर क्या रहेगा, N12, और उसका रफनेस वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा 50 माइक्रो। वैसे ही ये सिंगल ट्रायंगल अगर है तो N11, N10, 25 और 12.5। इसी तरीके से दो ट्रायंगल के लिए N7, N8, N9, 1.6, 3.2 और 6.3। आप थोड़ा सा नोट करिए कि यहाँ पे ये वैल्यू इस डिवाइडेड बाय 2 होती जा रही है, 50 डिवाइडेड बाय 225 डिवाइडेड बाय 212.5, ऐसे से करते करते यहाँ पे 0.025 तक N1 तक ये आ रही है। देन सिंबल फॉर द डायरेक्शन ऑफ प्ले, अभी हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ प्ले क्या होता है, ये एक पैटर्न होता है जो मशीनिंग ऑपरेशन होने के बाद सरफेस पे हमें मिलता है। जैसे ये है पैरेलल, अगर सरफेस पे पैरेलल लाइंस हमें शो हो रही है तो वो डायरेक्शन ऑफ प्ले को हम क्या कहेंगे, पैरेलल। अगर सरफेस से परपेंडिकुलर लाइंस हमें यहाँ पे मिल रही है तो वो क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। अगर सरफेस पे ऐसे क्रॉस शेप के हमें अगर डायरेक्शन मिल दिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस। अगर हमें मल्टी डायरेक्शनल मिला तो उसे हम M से सिंबल से डिनोट करेंगे, अगर सर्कुलर पार्ट में मिला तो C से डिनोट करेंगे, और अगर अप्रॉक्सीमेटली रेडियल मिला तो हम उसको R से डिनोट करेंगे। नाउ अभी हम देखते हैं कि ये सिंबल जो हमने ड्रॉ किया क्या है। ये जो सिंबल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये सिंबल मशीनिंग सिंबल कहलाता है, जो कि इस प्रकार हम शो करते हैं। अब देखिए वन बाय वन हम ABCD देखेंगे। A यहाँ पे आ रहा है, देन B, देन C, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए कैसे A B
बी ये क्लॉकवाइज हो रहा है, सी देन डी देन ई, और सी के बाजू में हमें मिलेगा एफ। अब एक एक करके हम देखते हैं कि इसके मीनिंग क्या है। सी ए मीन्स रफनेस वैल्यू और रफनेस ग्रेड, ये हमें याद रखना होगा। बी मीन्स प्रोडक्शन या फिर मशीनिंग मेथड। सी मीन्स सैम्पलिंग लेंथ, मशीनिंग रफनेस लेंथ इन mm। डी मीन्स डायरेक्शन ऑफ ले, ई मीन्स मशीनिंग अलाउंस, एंड एफ मीन्स अदर रफनेस वैल्यू। ये हमें याद रखना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्टेट द मीनिंग ऑफ द सिंबल शोन इन फिगर। अगेन ये सिंबल हमें गिवन रहेगा, यहाँ पे वैल्यूज देखिए कुछ और रहेगी। अभी हमें क्या रहेगा, इसका मीनिंग हमें बताना है। तो हम एक एक करके इसकी मीनिंग देखते हैं। पहले ए, ए यानी क्या रहता है 12.5, आंसर 12.5। इसका मीनिंग क्या है, ये रफनेस वैल्यू है। ये मिलिंग क्या है, मिलिंग इज अ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग मेथड। 50 क्या है, सैम्पलिंग लेंथ दैट इज मशीन सरफेस लेंथ इन mm। सी क्या है, डायरेक्शन ऑफ ले जो कि सी यानी सर्कुलर, हमने अभी भी देखा था। 5 क्या है, मशीनिंग अलाउंस, और ये ब्रैकेट में 20 क्या है, अदर रफनेस वैल्यू, ये आंसर रहेगा। डियर फ्रेंड्स, हमें आज के वीडियो से हमारा कौन सा यूनिट आउटकम अचीव्ड हुआ है, इंटरप्रेट सरफेस रफनेस कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम दी वैल्यूज द गिवन ऑन कंपोनेंट ड्राइंग। आवर टूडेज lecture summary, we understand the concept of surface roughness and machining symbol. We achieved the program outcome PO1, 2, 3, 4, PO8 and 10 and PSO2 and 3. Here for today's assignment, draw the roughness surface, define roughness, surface roughness, surface waviness and lay. State the meaning of symbols shown in figure. Then again, state the meaning of symbols shown in figure. This is the simple assignment. Dear friends, thank you. In our next video, we are going to study the question asked in MSBT exam related to all topics of production drawing.